अस्सलाम वालेकुम। मेरी कामयाबी के आज के एपिसोड में आज जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम ही उनकी पहचान है। एंड यस वी आर टॉकिंग अबाउट उज़ैरा साहब, जो कि सर्टिफाइड ट्रेनर है, फैसिलिटेटर है, मॉडरेटर है, एचआर कंसल्टेंट और साथ ही साथ एनएलपी कोच भी हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेल अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं क्या हाल है? मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सो हाउ इज योर लाइफ गोइंग इन कोरोना? अल्हम्दुलिल्लाह, कोरोना ने बड़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं, नॉट जस्ट मी, आई एम श्योर सबको सिखाई हैं, पर्सनल लाइफ के ऊपर भी, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी, बट सो फार सो गुड। बिकॉज ऑफ ऑल दिस क्वारंटाइन सिचुएशन, काम पर कैसा इफेक्ट आया एंड हाउ इज योर वर्क गोइंग? यार आई मीन ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस गॉट अफेक्टेड ऑफ कोर्स, परहैप्स आई फील ट्रेनिंग इंडस्ट्री एंड ट्रैवल इंडस्ट्री आर दोज टू इंडस्ट्रीज आउट ऑफ रेस्ट ऑफ द अदर्स जिन्होंने बड़ा मैसिव किस्म का हिट लिया, स्पेशली इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक डिलेमा ये भी है कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो है वो लग्जरी कंसिडर किया जाता है, और लग्जरी इस तरह के डेस्परेट टाइम्स के अंदर साइडलाइन कर दी जाती है। Given that training actually is not a luxury and is a need, लेकिन I think हमें उस जगह as a nation, as a country, most of the organizations के अंदर ये mindset अभी develop होने में ज़रा वक्त लगेगा कि training luxury नहीं है, training ज़रूरत है, need है, and this shouldn't be stopped no matter what is happening. But of course, given the kind of scenario that we were in, lockdown, quarantine situation, offices बंद, लोग घरों से operate कर रहे थे, there were still, you know, some वर्क हैपनिंग, ऑनलाइन चल रहा था, डिजिटली वेबिनार्स हो रहे थे, ट्रेनिंग चल रही थी, वर्कशॉप सेटिंग के अंदर काम हो रहा था, सो पीपल क्विकली इवॉल्व्ड, व्हिच वाज ग्रेट। ऐसा नहीं था कि सब रुक गया था ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर, देयर वाज स्टिल लॉट ऑफ वर्क हैपनिंग, बट रिलेटिवली काम कम हो रहा था ऑफ कोर्स। ओके, आपने अपना काम स्टार्ट किया 23, व्हेन यू वर 23, सो व्हाट वाज द थिंग दैट मेड यू थिंक दैट यू कैन ट्रेन पीपल? यार आई थिंक इट्स आई मीन 23 साल के जब आप होते हैं, 22-23 साल के, तो आपने ग्रेजुएट किया होता है या मास्टर्स कर रहे होते हैं, कुछ तरह का सिलसिला चल रहा होता है यूजली, एंड एट दैट पॉइंट टाइम परहैप्स हैविंग नो एक्सपीरियंस एज सच, आई थिंक इट वॉज हार्ड कोर पैशन एंड इट वॉज द लव फॉर द वर्क, फॉर द काइंड ऑफ वर्क दैट इट इज़, फॉर द काइंड ऑफ इंडस्ट्री दैट दिस इज, आई थिंक इट वॉज दैट विच बिकेम माई रीजन टू परहैप्स बिकम अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, बिकॉज had passion not been there तो शायद मैं कुछ और कर रहा होता, लेकिन कुछ चीज़ें देखकर, कुछ लोगों को फॉलो करके, कुछ किताबें पढ़कर, कुछ केस स्टडीज देख के, कुछ ये समझ कर कि ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है ग्लोबली, आई थिंक दैट वॉज द टाइम व्हेन आई रियलाइज एंड आई फेल्ट दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। अच्छा, कभी ऐसा सोचा कि जैसे स्पेशली अभी इस सिचुएशन में कि क्विट कर देते हैं, कुछ और करते हैं, ये तो हो ही नहीं रहा? यार आई थिंक इसको क्विट करना कभी भी ऑप्शन है, सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे जॉब्स का कोई ऐसा सीन नहीं है, सो माई फादर हैज़ हिज ओन बिजनेस, माई यंगर ब्रदर हैज़ हिज ओन बिजनेस, सो आई वॉज नेवर परहैप्स, एंड परहैप्स करियर की बात करते हैं तो आई बिन लकी इन दैट, जिसको बोलते हैं कि आई बिन लकी इन दैट वे, कि कभी भी फैमिली की तरफ से ये नहीं था, इवन इन द टाइम्स जब मैं यूनिवर्सिटी में था, कि फलानी जॉब करनी है या जॉब करनी है या नहीं करनी है, या बिजनेस करना है या नहीं करना, सो आई वॉज गिवन an open space कि जो करना है, आई मीन इट्स योर लाइफ, सो यू gotta मेक योर ओन decisions. फॉर द longest, मतलब मेरी माँ को ये समझ में नहीं आता था कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री क्या होती है, तो वो बस लोगों को ये बताती थी कि कुछ करता है काम तो आज भी ज़रा मुश्किल है क्योंकि अभी 8 साल हो गए हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत ऑफ कोर्स ही हैज़ नाउ, बिकॉज रिलेटिवली दिस इज़ एन, आई मीन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते इस काम को, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बैंक में जॉब करते हैं, लॉयर हैं, आप ये किसी को बताएं, किसी को भी समझ में आ जाएगी ये बात, रिक्शे वाले को भी समझ में आ जाएगी ये बात, बट ट्रेनिंग इंडस्ट्री इज़ रिलेटिवली आई एम सेइंग न्यूअर टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दिस। ऑफ कोर्स जो लोग इदारों में जॉब्स कर रहे हैं या प्रोफेशनल लाइफ का मतलब भी शामिल हैं, वर्क फोर्स का हिस्सा हैं, दे डू अंडरस्टैंड इट, बट नॉट एवरीबडी, एंड आई एम सेइंग एवरीबडी आई मीन यू नो द बॉटम लाइन ऑफ द सोसाइटी एज वेल। तो गिवन द क्वेश्चन दैट यू हैव के स्पेशली इन दीज टाइम्स, या इससे पहले कभी ये ख्याल आया कि ये काम छोड़ दें कुछ और करें, तो आई थिंक कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये काम छोड़ दूँ, ये ख्याल जरूर आया कि कुछ और करूँ, मतलब सो आई वॉन्टेड, आई
I've always been a person who would want to do multiple things at the same time. Along with it. So I never wanted to, and I still don't want to, and I think I probably would never want to. Probably I'm saying क्योंकि आने वाले वक्त में क्या होना है आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता. तो अभी तक तो वो फायर है जिंदा और I want to do it and I will keep on doing it inshallah. लेकिन of course you know I don't want to be perhaps that individual जो ये सोचे कि क्योंकि मेरा ये करियर है तो मैं ये वाला काम नहीं कर सकता. Because I think that you know irrespective of whatever the kind of a profession that you are in, irrespective of whatever job business that you are doing, उसके साथ आप कुछ और experiment करना चाहते हैं वो बिल्कुल करें, करते रहना चाहिए और ज़रूरी भी है. Because a lot of people globally जो let's say money management या lifestyle या professional development या career development के ऊपर बातचीत करते हैं, किताबें लिखते हैं, लोगों को सिखाते हैं, कोच करते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी के अंदर वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं. अच्छा सर, 8 साल के करियर में मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग सिचुएशन में आपको क्या डील करना पड़ा, आपको कोई ऐसी चीज़? यार आई थिंक देर हैज़ बीन सो मैनी. चूँकि 8 साल के अंदर, कहने में 8 साल हैं बट इट्स प्रैक्टिकली लॉट ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट क्लोज टू अ डेकेड यू वुड कॉल इट. और इस पूरे टाइम में मैंने बड़ा सारा काम किया है कॉर्पोरेट्स के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ, टीचर्स के साथ, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के साथ, बैंकर्स हों चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हों, स्पोर्ट्स कोचेस के साथ, पाकिस्तान से बाहर काम किया है मैंने. सो आइडिया इज़ दैट एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट एंड एवरी इंडस्ट्री हैज़ इट्स ओन काइंड ऑफ डिमांड्स. तो लेकिन मैंने ये बात समझी है दैट यू नो मैं कोई स्पेसिफिक एक सिचुएशन तो खैर क्या मैंशन करूँ, बट If I were to give you a gist of multiple situations that I encountered while being on the floor, jisko keh sakte hain difficult situation ya different situation, I think mera jo gist hai, jo learning hai usme se wo ye hai that if you start giving people what they are looking for, let's say if they are looking for attention, if you start giving them attention, if they are looking for somebody jo unki baat sune, if you start giving them that, if you are working with a certain class jiski ye psychological requirement hai ki usko acknowledge kiya jaye kyunki wo itne saalon se kaam kar rahi hai, 20 25 30 saal se job kar rahe hain, workforce ka hissa hain, to unke is experience ko acknowledge, if you start doing that your job becomes far more easy than if you wouldn't have done that. You know what I'm saying? So for example I was working with college teachers and professors once. Senior lot, Karachi se bahar in the northern side of the country ek project tha, 5 din ka workshop tha and koi 30-35 ke kareeb teachers the, senior teachers the, headmasters the. So senior lot, government teachers, and they come from a place where they need a lot of acknowledgement, they come from a place where they need a lot of listening, they come from a place where they would need a lot of space jahan unko logon ko is baat ka ehsaas dilaya jaye ki jo साहब और साहिबा हैं ये जानते हैं अपना काम और इतने सालों से कर रहे हैं. एंड आई बीइंग इन कंपैरिजन, आई बीइंग अ यंगस्टर, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आप उनको वो स्पेस ना दें. तो वो स्पेस देना ज़रूरी है बिकॉज इवेंचुअली एज अ ट्रेनर आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस ये है कि आप जो पैगाम लेके गए हैं, आप जो भी चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग कराने गए हैं, आप वो लोगों के अंदर आराम से लोगों के जहनों के अंदर और उनके अमल के अंदर डाल के आ गए. वो तब डलेगा जब वो आपकी बात सुनने के लिए ओपन अप होंगे. वो ओपन अप तब होंगे जब आप उनको वो देंगे जो वो देख रहे हैं या वो जो ढूंढ रहे हैं. ठीक है, सो एज यू ऑलरेडी आंसर्ड द क्वेश्चन आई वाज गोना आस्क, तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो ट्रेनर बनाती हैं इंसान. यार आई मीन देयर इज नो सर्टेन आंसर टू इट ऑनेस्टली बिकॉज लेट्स से अगर कोई ट्रेनर बनना चाहता है तो वो क्या करे, यू नो दैट्स व्हाट योर क्वेश्चन इज. तो अगर वो ट्रेनर बनना चाहता है कोई भी इंसान, तो नंबर वन एज आई सेड इन द बिगिनिंग, यू गॉट टू बी ब्लडी पैशनेट अबाउट इट बिकॉज दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स यू टू डू दैट. क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ आपने एक दफ़ा पढ़ाई कर ली और अब आप फारिगुल तहसील हो गए, काम में आ गए. यू नीड टू बी इन टच विद बुक्स, यू नीड टू बी इन टच विद थियोरीज, यू नीड टू बी कॉन्स्टेंटली रीडिंग, यू नीड टू बी कॉन्स्टेंटली लर्निंग, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली meet new people, you have to increase your network, you have to increase the kind of influence that you have on the people, you have to constantly work on the way you talk, on the way you interact, on the way you listen, apni personality ke upar, tamam cheezon ke upar musalsal kaam karna padta hai because everything is evolving around us. And let's say, you know, aasan alfaaz mein bole to jo trainer hota hai
वो जो फॉर एग्जाम्पल आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर आई डू अ लॉट ऑफ वर्क विद कॉर्पोरेट मोस्टली, सो लेट्स से अगर मैं कॉर्पोरेट के साथ जाके काम करता हूँ या इदारों में जो लोग जॉब्स करते हैं उनके साथ जाके ट्रेनिंग कराता हूँ, आई हैव टू बी बेटर इन थियोरी एंड इन प्रैक्टिकल इन एप्लीकेशन, ओनली देन आई बी एबल टू काइंड ऑफ यू नो शिफ्ट दैट और ट्रांसफर दैट नॉलेज इन टू द पीपल हू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अच्छा सर, एक ट्रेनर बनने के लिए कितनी क्या स्किल्स होनी चाहिए और लाजमी हो? यार आई थिंक सो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है और ये गलत ख्याल है कि जो ट्रेनर होता है वो चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर हो चाहे वो किसी स्किल के ऊपर ट्रेनिंग कराता हो, लेट्स पुट इट दिस वे, जो पब्लिक स्पीकर होता है, अब चाहे वो मॉडरेटर हो चाहे वो शोज होस्ट करता हो चाहे वो वर्कशॉप चलाता हो सेमिनार चलाता हो मोटिवेशनल स्पीकिंग के सेशंस करता हो, अगर कोई भी इंसान पब्लिक स्पीकिंग करता है और ये मिथ है तो उसका एक्स्ट्रोवर्ट होना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक्स्ट्रोवर्ट होना ज़रूरी नहीं है। तुम लोगों से मिलते रहते हो, लोगों को तुम लोग इंटरव्यूज करते रहते हो, आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु इज़ एन इंट्रोवर्ट, ओके, एंड आई एम श्योर यू वुड कम अक्रॉस मेनी पीपल इन माई इंडस्ट्री हु आर इंट्रोवर्ट्स। What make communication skills more important than other skills? Yeah, I think, you know, and it's not just what I think, it's what the sciences of communication tells you figuratively, that 80% of any job in the world, any job in the world, is communications. Sir, ye NLP coach banne ka khayal kaise aaya? NLP है क्या? NLP है फुल फॉर्म डेफिनेशन, या उसकी जो फुल फॉर्म है वो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या होती है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बिल्कुल आसान करके तोड़ के बता रहा हूँ, और NLP एक्सपर्ट से पहले ही मुआज़रत कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत आसान कर रहा हूँ, सो आई एम नॉट गेटिंग इन द टेक्निकलिटीज ऑफ इट। NLP आप जो कम्युनिकेशन अपने आप से करते हैं, अपने दिमाग में अपने आप से जो कम्युनिकेशन करते हैं, उसको बेहतर बनाने का नाम है। अच्छा, ये समझ कर के अभी वो क्या है, उसको बेहतर बनाने का नाम है। क्यों? क्योंकि उसका बेहतर होना आपकी आउटसाइड की कामयाबी, बाहरी कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So how NLP brings a person to a practical life? How it breaks the illusion of perfection? Because people living in an illusion of perfect life that doesn't even exist. Yeah. So you see NLP, मैंने जिस तरह भी थोड़ी देर पहले बोला, NLP रीफ्रेम या रीफ्रेज करने का काम करता है उस तमाम कम्युनिकेशन को, उस तमाम स्टोरी को जो हमारे अंदर चल रही है, ठीक है? क्योंकि ये रीफ्रेज और रीफ्रेम हो रही होती है तो हमारे रिएक्शंस और हमारे ट्रिगर्स भी ग्रेजुअली चेंज हो रहे होते हैं। अच्छा सर, आपने नेशनली और इंटरनेशनली 72+ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुके हैं, तो आप माइलस्टोन अचीव हो चुका है या डेट यू डिज़ायर? या आई थिंक, आई मीन सवाल तुम्हारा ये है कि माइलस्टोन अचीव हुआ या नहीं हुआ, 75 से ज़्यादा इदारों के साथ काम करके पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में, सो दिस आई मीन दिस इज दे वुड प्रॉबली, मुझे लगता है कि शायद वो माइलस्टोन कभी अचीव होगा भी नहीं, बिकॉज जिस दिन माइलस्टोन अचीव होने का मतलब ये कि मेरी हंगर मर गई ना, मेरी हंगर ख़त्म हो गई, सो आई वुडंट से कि वो मंजिल अचीव हो गई, बट आई वुड से यस, रास्ते में वो जो चेक पॉइंट्स आते हैं वो आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, और वो आते रहने भी चाहिए, सो दैट यू कीप ऑन गेटिंग दैट ड्राइव फ्रॉम विद इन यू टू कीप ऑन गोइंग, एंड आई थिंक हैविंग बीइंग एबल टू डन जो भी लिमिटेड थोड़ा बहुत मैंने काम किया है इस पूरे टाइम के अंदर, आई एम ओनली थैंकफुल टू गॉड, बिकॉज वो अपॉर्चुनिटीज़ जिस तरह से आई हैं, जैसे आई हैं, आई थिंक अगर वो किसी इंसान का काम होता तो वो नहीं हो सकता था उस तरह से जिस तरह से हुआ है। सर, बीइंग एन एचआर कंसल्टेंट, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप कंसिडर करते हैं बिफोर मेकिंग अ न्यू एचआर पॉलिसी? यार आई थिंक सो सिंस आई वर्क एज एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट एंड कुछ जगहों पे हम पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी रोल प्ले कर रहे होते हैं, और इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हम पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर रोल प्ले कर रहे होते हैं कि अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन ये एचआर पॉलिसी एक बन गई है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी? देखो फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपने इसका क्रैक ये है, जब भी आपने लोगों को कुछ नया देना है, कोई नई चीज़ ला रहे हैं, तो पहला इंडिकेटर तो ये होता है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस आती है, लोग बोलते हैं कि नहीं ये काम नहीं करेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो रेजिस्टेंस आ रही है, फैंटास्टिक, इसका मतलब है चेंज आ रही है, रेजिस्टेंस नहीं आ रही इसका मतलब है कि चेंज फेल है, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, सो रेजिस्टेंस आना इज गुड,
सर आपके कुछ ट्रेनिंग सिग्नेचर प्रोग्राम्स हैं तो उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यार आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरा काम इवॉल्व हुआ एज अ ट्रेनर, सो आई और ट्रेनिंग सिग्नेचर प्रोग्राम चाहे मैं हूँ या कोई भी ट्रेनर हो, परहैप्स हम बनाते हैं बिकॉज हमें मार्केट में एक बड़ी स्पेस नज़र आती है जिसकी बड़ी ज़रूरत है, लोगों की बड़ी ज़रूरत है. सो यस आई गॉट सर्टेन प्रोग्राम्स, सिग्नेचर प्रोग्राम्स हैं, सेल्स के ऊपर है, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर है, कम्युनिकेशन के ऊपर है, प्रेजेंटेशन के ऊपर है. एंड एवरी प्रोग्राम हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्रक्स, हैज़ डिफरेंट मॉड्यूल्स, इज फोकस ऑन फुलफिलिंग डिफरेंट काइंड ऑफ नीड्स. वो सिग्नेचर प्रोग्राम्स डिफरेंट क्यों हैं इन कंपेरिजन टू let's say other people offering similar kind of programs, because I do a lot of experiential work. So for example, agar mera ye manna hai ki agar kisi ko koi skill sikhani hai to usse wo kaam karana padega, usko feedback dena padega, phir dobara karana padega, phir feedback dena padega, aur ye cycle aise chalti rahegi. Main kisi ko kuch bata ke usko skill nahi sikha sakta. Main aapko kitab padha dun ki cycle aise chalate hain, aap cycle chalana nahi seekh sakte ho na, kyunki it's a skill. Main aapko kitab padha dun ki yaar swimming aise karte hain, you cannot learn how to swim while reading a book. You've got to jump into the water, you've got to be experiencing that uneasiness of being in the water, you've got to experience all of it before you become a master at it. तो मेरा ये मानना है, और आई थिंक मेरे जो प्रोग्राम्स होते हैं या जो वर्कशॉप्स होते हैं, आई कीप अ स्ट्रॉन्ग चेक ऑन दैट दैट देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग हैपनिंग, बिकॉज परहैप्स दैट इज द ओनली वे ऑफ मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस द इम्पोर्टेंस एंड द पावर ऑफ द प्रोग्राम दैट वी आर डूइंग. अच्छा सर, एक हमारा गेम राउंड है रैपिड फायर, तो स्टार्ट करें. बिल्कुल. Three main marketing skills: communication, influencing, value addition. अच्छा, अगर आपको खुद को three words में describe करना पड़े तो what would it be? Persistence, risk taker, and persistence again, I guess. आपकी favorite hobby? मेरी hobby, I mean, I do a lot of indoor games. I am not that much of an outdoor game person. I do play a lot of indoor games. Degree or skills? Both. There cannot be an or in it, because degree जब लेने के लिए आप university जाते हैं, university आपको कुछ ना सिखाए degree में, लेकिन एक चीज़ सिखाती है, वो सिखाती है आपकी social skills, your ability to communicate and connect with people, which is extremely extremely important. So I'm not a person who would say कि degree ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है. अच्छा, अब तक कितनी books पढ़ चुके हैं आप? Honestly, I don't have a number. Okay, but I am a person who would read a lot of management, a lot of psychology, a lot of personal development, a lot of business, a lot of team management. और अगर उर्दू की बात करें तो मैं अशफाक साहब को मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, बानो कुत्सिया को पढ़ना बहुत पसंद है, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर से बड़ी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बड़े पावरफुल लेसन निकाल के लेकर आते हैं. लेकिन किताब पढ़ते हुए कभी भी मुझे ये नहीं होता कि कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने आगे सिखाना है. किताब पढ़ते हुए मैं पढ़ता हूँ बिकॉज मैं खुद सीखना चाहता हूँ, और फिर वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है. कोई एक मोटिवेशनल कोट? मोटिवेशनल कोट परहैप्स से ज़्यादा मुझे लगता है जिस तरह और मेरे पास वो लिखा रहता है यूजली एक जगह पे, आई एम गोना टेल यू सो दैट आई डोंट मेक एनी मिस्टेक. पैशन से रिलेटेड या काम से रिलेटेड उसका मैंने जुज निकाला हुआ है. फैज साहब की बड़ी लंबी चौड़ी एक नज़म है और उसकी दो लाइनें हैं. वो जो दो लाइनें हैं वो लाइनें कुछ ऐसे हैं कि वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो काम से इश्क करते थे या इश्क का काम करते थे. वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो काम से इश्क करते थे या इश्क का काम करते थे.
हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, तो वो मुझसे मैं इससे इसलिए कनेक्ट करता हूँ बिकॉज यू नो आई एम अ पर्सन विच कम्स हु कम्स, जिस तरह तुम्हारा जो पहला सवाल था, सो आई कम फ्रॉम अ लॉट ऑफ पैशन, अ लॉट ऑफ पेन फॉर डेवलपिंग पीपल, डेवलपिंग माई ओन सेल्फ, और जब तक पैशनेट ना हो आप किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी काम जो है वो ख़तरनाक हो जाता है। ये वीडियोग्राफी का काम कह लें, फोटोग्राफी का काम कह लें, ट्रेनिंग कह लें, यू नो जब तक मैं बैंकर वाकई में नहीं बनना चाहता तब तक मैं अच्छा बैंकर नहीं होगा। सर कोई बुरी आदत? यस आई स्मोक। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क? स्मार्टली वर्किंग हार्ड बिकॉज स्मार्ट वर्क इज ग्रेट। बड़े सारे लोगों को लगता है दैट स्मार्ट वर्क इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, इट्स नॉट। हाउएवर वर्किंग हार्ड विदाउट बींग स्मार्ट इज अ स्टूपिडिटी एज वेल, यू नो। मैं स्क्रू ड्राइवर से अगर दरख्त काटने की कोशिश कर रहा हूँ तो दैट्स स्टूपिडिटी, बट इफ आई एम दरख्त काट रहा हूँ यूजिंग अ सॉ जो शार्पन्ड है, दैट्स ऑल राइट एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी। सो स्मार्टली वर्क हार्ड, वर्किंग हार्ड डज नॉट, मिसाल के तौर पर आप लोगों से बोलते हैं यार तू अपने ख्वाब पे काम क्यों नहीं कर रहा, तू क्यों ये जॉब के ऊपर लगा हुआ है जिसको तू दिन रात गालियाँ देता रहता है, तो जवाब स्टैंडर्ड क्या आएगा कि यार ये जॉब मुझे सैलरी देती है, आई नीड टू हैव मनी टू बी एबल टू रन माई लाइफ एंड आई हैव गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डबल थम्स अप, बिल्कुल करते रहो। लेकिन अगर कोई स्मार्टली काम कर रहा हो खाली और हार्ड वर्क ना करे, तो मैं उससे अगर ये बोलूँगा कि यार तूने सुबह 9 से शाम 6, 7, 8 जितने बजे तक तू नौकरी कर रहा है जो तेरी ज़िंदगी चलाती है तू उस पर काम कर, वापस आके 4 घंटे तू अपनी चीज़ के ऊपर काम कर जो तू करने के लिए पैशनेट है, तो दिस द लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन एक्शन राइट। सुबह 9 से रात 12, 1 बजे तक काम करते रहना, नो जोक्स, तो Without hard work, things are not really possible. Alright. अच्छा सर एक दिन के लिए अगर आप invisible हो जाएं तो क्या करेंगे? I think I'll travel. Travel where? Anywhere. I mean, क्योंकि मैं invisible हूँ और मेरे पास ये power है और मुझे फिर ये भी power चाहिए कि मुझे time travel करना है. You know. So मैं button दबाऊँ तो मैं दुनिया के किसी एक मुल्क में हूँ, button दबाऊँ तो दुनिया के किसी एक दूसरे मुल्क में हूँ, because I love to live in different cultures and different cities. Perhaps I think this is one of the reasons that I'm a part of this industry, because with this industry, with this work that I do, there comes a lot of traveling and a lot of meeting new people. Okay. So yeah, I would love so to travel. Time travel करके अगर जाना पड़े तो आप अपना past देखना चाहेंगे या future? I think neither. Mm-hmm. I would stay where I am. Okay. Because past का तो मुझे पता है ना कि क्या है, क्या whatever has happened नहीं बस और whatever happened उस वक्त मुझे बड़ा बुरा लगा, पास की सारी चीज़ें तो याद नहीं होगी ना आपको, बड़ा बुरा लगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी बुरी लगी, मैंने बड़ा रिग्रेट किया, बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि यार ये हुआ उसकी वजह से आज ही अच्छा हो रहा है, यू नो। और फ्यूचर देखने के लिए आई मीन एवरीबडी इज ईगर टू वॉच दैट, सो आई वुड नॉट माइंड लुकिंग एट द फ्यूचर, बट आई एम स्टिल प्रीटी मच कंटेंट इन द प्रेजेंट, बिकॉज़ लेट्स से अगर मैं फ्यूचर देख लूँ फिर आप वापस भी तो लेकर आएंगे ना मुझे टाइम मशीन से प्रेजेंट में, तो मुझे एंग्जाइटी कितनी हो जाएगी, यू नो एंग्जाइटी इसलिए हो जाएगी कि अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगी और एंग्जाइटी इस बात की हो जाएगी यार मुझे साथ अब ये बुरा होने वाला है या ये अच्छा होने वाला है या एंड आई कैन नॉट कंट्रोल दैट, एज आई सेड बिफोर यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट इज हैपनिंग टू यू, व्हाट यू कैन कंट्रोल इज हाउ यू आर रिएक्टिंग टू इट, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू इट। अच्छा सर आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? Yeah, I think anybody who's watching this, and this is the first time that I'm looking into the camera, so specifically talking to you, if you are watching this, aap student hain, aap padhai kar chuke hain, aap naukri dhoond rahe hain, naukri already kar rahe hain, no matter parent hain, chahe aap kisi bhi stage mein zindagi ki, please understand this, that for the sake of others' happiness, दूसरे की खुशी के लिए अपनी खुशी को लेट गो करना और अपने एस्पिरेशंस और अपने ख्वाबों को लेट गो करना सही नहीं है, बिकॉज इफ़ यू डू दैट वंस यू विल कीप ऑन रिग्रेटिंग इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, एंड रिग्रेट्स आर दोज जो जब आप उम्र के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जब कुछ भी नहीं होता आपके पास करने के लिए और आप आसान अल्फाज से बोलें तो अपने डेथ बेड पे होते हैं, तो ये रिग्रेट्स होते हैं जो आपको तंग कर रहे होते हैं।
So please do not shy away from trying out new careers. Please do not shy away from experimenting in life. Do not shy away in saying goodbye to those toxic things that are holding you back. Spend time with yourself. Spend time with people you love, you enjoy spending time most. Do not sulk in failures जो आज हो रहे हैं. Instead see के आपने उसको बेहतर बनाने के लिए क्या करना है. Because if you'll keep on sulking with the failures, only thing that you're gonna get is another failure. But if you'll try and extract a lesson from anything that you have failed in, most probably you're gonna end up getting better at it. You're gonna end up getting what you really want to get in life. That is a great message. Thank you so much. Thank you so much, sir. आपने इस इंटरव्यू के लिए. Thank you very much. Thank you very much. इसी के साथ साथ आज के इंटरव्यू का इख्तिताम हुआ जाता है. मुझे दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Uzair Asaf. I'm a trainer and consultant. और मैं अपनी कंपनी चलाता हूँ जिसका नाम क्यूब कंसल्टिंग है. मेरा ताल्लुक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री से पिछले 9 सालों से है. और आई हैपन टू वर्क अ लॉट विद कॉर्पोरेट सेक्टर. सम ऑफ माई वर्क हैपन्स टू बी विद द यूथ एंड द यंगस्टर्स ऑफ द कंट्री. हमने आज ये मज़ेदार गुफ्तगू की है. आई होप आपके लिए मीनिंगफुल होगी ये. Please do give it a watch. And if you like the video, please make sure that you like, press the like button, you sharing it with the people, and do subscribe to this channel. Also make sure कि अगर आपको लगता है कि इस पूरी वीडियो में कोई भी बात है जो आपका कोई जानने वाला है उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, please do share the video with them. And we are looking forward to have your comments in the comment section.